हुआ। हमारे बीच में एमएमटीसी में जनरल मैनेजर श्री रोशनलाल रोशन गौतम जी हैं, रोशनलाल गौतम जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कम से कम शब्दों में अपनी बात कहें श्री आर गौतम। सभी बैठे हुए सज्जनों को जय हिंद जय भारत। मैं सबसे पहले तो अशोक जी, राजकुमार जी और जाटव साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने के दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं सर दो शब्द बोलूँ चार बोलूँगा क्योंकि संगठन तो काफ़ी लोग चला रहे हैं, ये जो जिन लोगों ने नाम लिया है ये इतने ईमानदारी से और इतनी कर्मठता से संगठन चला रहे हैं कि मैं ये इस संगठन चला रहे हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम देखिए, कोई सामाजिक प्रॉब्लम देखिए तो हाँ वहाँ पर ये आपको झूल न किसी तरह ना किसी तरह मिल जाएगी आपको और हमेशा उसमें योगदान देते हैं। हम जो ये संगठन बाबा साहब की 127वीं जयंती मना रहा है, मैं आप सबको उस पर अपना सबसे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की विचारधारा है उस पर चलकर हमें क्या मिला। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैं 1979 से जब बाबा साहब की जब वहाँ झांकी निकली थी लाल किले से, मैं वहाँ से देखा मैंने कि बाबा साहब के बारे में वहाँ से मुझे कुछ जानने को मिला और तब से मैंने सिर्फ बाबा साहब की जो कोई भी प्रोग्राम होते हैं कुछ भी होता है मैं वहाँ पर जाने पर अपना भाग्य समझता हूँ। 1979 के बाद मैंने देखा कि भाई मेरे जो घर में जो चलती जो परंपरा चलती थी वो काफ़ी हिंदूवादी परंपरा थी और घर पर बाहर निकलते हुए हमें डर लगता था कि यार घर पर जा रहे हैं तो कभी ऐसा ना हो कि भूत न चिपट जाए कुछ न चिपट जाए न चिपट जाए। लेकिन जैसे जैसे हमने बाबा साहब को पढ़ा और बाबा साहब के बुद्ध धर्म को पढ़ा तो मेरे अंदर अपने कॉन्फिडेंस आ गया कि सबसे बड़ा भूत तो जिंदा आदमी होता है, जिंदा आदमी कुछ भी कर सकता है और मरा हुआ आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे आज मैंने जब से बाबा साहब को मैंने अपनाया है, बाबा साहब की विचारधारा को अपनाया है, बुद्ध भगवान के मैं कदमों में चलता हूँ, आज मेरे परिवार इतना सुख है, इतना सुख शांति से चल रहा है और मैं ये कामना करता हूँ कि यदि यहाँ पे बैठे लोग अगर अपने घरों से उन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को विदा कर देंगे तो उनकी आधी समस्याएं अपने आप कम हो जाएंगी। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिन जो कि जिनकी समाधान हम खुद कर सकते हैं और कुछ समस्याएं होती है जिनका समाधान कुछ दूसरे लोगों के सहयोग से किया जाता है। यदि अगर आप अपनी समस्याएं का समाधान करना है तो सबसे पहले जो मैंने बात कही है पहले उनको विदा कर दो तो आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपकी प्राय बात है कि जैसे सज्जन ने कहा था कि अपने जो भी सैलरी होती है उसमें कुछ ना कुछ हमें दान करना चाहिए, बहुत सही बात है। मैं भी अपने जो भी बनता है मैं भी करते रहता हूँ, मैं भी जब देखता हूँ ना कोई अपने समाज का लड़का है कुछ करना चाहता है उसे कुछ सामाजिक जगह, मैंने एक बार किसी लड़के की 80,000 रुपये से सहायता की थी और मुझे बड़ी खुशी है इस मंच पर बोला। आज उस लड़के के जाटव समाज से लड़का है 7 रेस्टोरेंट चल रहे हैं दिल्ली के अंदर और 10 लाख रुपये महीने की उसकी अपनी इनकम है। मैं कोई भी सामाजिक कार्य होता वो भी अपना दान पुण्य करता है। अब इसी तरह से जब भी आप देखो समाज का कोई आदमी, देखिए आप ये मत सोचिए सरकार क्या करके आएगी, लेकिन आप कुछ हो आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हो, समाज के बच्चों की कोई किसी को कॉपी दे दो, पेन दे दो, पेंसिल दे दो, कुछ दे दो, कुछ ना कुछ समाज के प्रति आपकी ये जुम्मेदारी कुछ ना कुछ करके रखिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका जय भीम जय भारत।